अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे व्यूअर्स। और व्यूअर्स, आज मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, एक मीटिंग है पीटीआई की तरफ से, मतलब मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और मतलब आने वाले हालात में क्या होगा, क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि ख़ान को वो रिहा नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ और देखते हैं मीटिंग में क्या बात होती है, क्या डिसाइड होता है और ख़ान को रिहा करेंगे या नहीं, अभी इस पर बात होगी। तो चलते हैं, अब निकलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक है, पहुँचाए फाइनली व्यूअर्स। तो हम आ गए इस्लामाबाद पीटीआई सेक्टर ऑफिस में, तो अभी कुछ ही देर हम दाखिल होने वाले हैं, अभी हम बाहर खड़े हुए हैं। चलें जी, टाइगर भाई क्यों उदास हैं? ऑफिस में मौजूद हूँ जो पीटीआई का मेन ऑफिस है, और अभी आई हुई है काफ़ी टीम। अभी जो कुछ बंदे हैं जो बाहर हैं कंटेनर के पास, तो आए आपको पहले कंटेनर के पास लेके जाता हूँ जिसमें खान साहब पावर शो कर रहे थे, तो उन पे फायरिंग हुई थी। आए मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूँ और कंटेनर दिखाता हूँ। ये रहा वो कंटेनर जहाँ पे फायरिंग हुई, जिस पे उनकी टांग जख्मी हुई थी। एक ये निशान है और दूसरा ये मिड पे देखे स्क्रीन के, ये दो फायरिंग हुई थी जो एक टांग को छू के गुजरी थी और दो ये इसके सामने लगी थी। तो हमने अभी असर की नमाज़ अदा की है और अफ्तारी भी हमने यहीं करनी है। अभी वेट कर रहे हैं हम, जो कुछ लोग अभी रह गए हैं वो आएँ तो फिर मीटिंग स्टार्ट होगी। अब फिर मीटिंग में डिसाइड होगा कि मतलब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्या प्लान है हमारे, तो वो तो मीटिंग में डिसाइड होगा। बाहर थोड़ा सा मैंने कहा अभी फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। अभी वेट कर रहे हैं हम, टाइम में है काफ़ी इफ्तारी का, तो अभी हम थोड़ा सा साइड पे आ गए हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं, इफ्तारी का टाइम है, तो
फाइनल व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं उससे वापस। तो अभी हमने एक होटल में स्टे किया है, ये है बस शिनवारी पे। तो अभी चाय पीते हैं क्योंकि सर में काफ़ी दर्द है। अभी इफ्तारी वगैरह की है, खाना भी हम वहाँ से खाए हैं। तो अब चाय की सिर्फ तलब थी, तो हम आ गए हैं। बड़ा बेहतरीन सेटअप है यहाँ का। वीएस, तो हम अभी खैबर शिनवारी पे बैठे हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन सेटअप है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह दीदी आज़ादी का है कि कल तेई मार्च जो इंतखाब भी मनाएंगे और इमरान खान की कार पर इंशाल्लाह लतायब भी करेंगे। हर जगह दीदी आज़ादी का है जनाब, हमारे सीनियर फैली जो जनाब वाइट फैली जो शौकत पर तब आपके साथ जनाब जो खराब कर रहे हैं जनाब सेक्रेटरी जनरल कादर मंत्री मंत्री और हजरत का इमरान कदर और मुफा साहब और जनाब बाबा नूर जमान बकाया या था हमारे साथी दोस्त और आफ्ताब जनाब ये भी माशाल्लाह हमारे साथ सब दोस्त हैं इंशाल्लाह गुलाम भाई के साथ मिलकर कल इंशाल्लाह हकीकी इंशाल्लाह आज़ादी मनाएंगे अल्लाह के फजल और करम इंशाल्लाह। मीटिंग करने का जो मेन पॉइंट था, जो मकसद था, वो ये था कि खान को रिहा किया जाए। जो केसेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो उनको कैद किया हुआ है, और जिन पे स्ट्रॉन्ग केसेस हैं वो वजारते लेके घूम रही हैं। तो इंसाफ करना चाहिए, वो खान इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है किस लिए, हमारे लिए। तो हमें चाहिए कि हम भी खान के लिए निकलें। हकीकी आज़ादी तहरीक अभी जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगी। खान इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खान को सपोर्ट कीजिए, खान इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम में होंगे, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। ओके व्यूअर्स, अब आपसे चाहता हूँ इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।